हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। और आज हम लेके आए हाउ पाकिस्तान आईएसआई वर्क्स का रिएक्शन, आईएसआई कैसे काम करती है। बिकॉज नॉर्मली ये होता है, इन सारी जो एजेंसीज होती हैं, इनके जो सारे काम होते हैं वो बहुत ज़्यादा हिडन होते हैं। और खासकर आईएसआई जो बहुत फेमस है कि लाइक उसके तो सारे के सारे काफ़ी ज़्यादा हिडन रहते हैं। एंड उनके यहाँ से मैसेज भी सुनते नहीं है कि आईएसआई के एजेंट ने कोई बुक वुक लिखी है और ऐसा किया है, तो काफ़ी ज़्यादा उनकी आइडेंटिटी हिडन रखी जाती है। तो यहाँ पे बताया गया कि आईएसआई कैसे काम करते, मैं ज़रूर देखना चाहूँगा कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ बताई जाती है। सीरियसली मैं भी इसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। हालांकि हम लोगों ने आईएसआई की बहुत सारी वीडियोज़ देख रखी है कि लाइक वो कैसे काम करते हैं, क्या चलता है, लेकिन कभी हमने एक प्रॉपर वीडियो नहीं देखी है कि जो आईएसआई है वो प्रॉपरली वे में कैसे काम करती है। तो आई नो ये बहुत इंफॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है और हमें काफ़ी हद तक इससे चीज़ें हम लोग समझेंगे। और हम लोगों ने इतनी सारी वीडियोस देख ली है कि लाइक हम लोगों को काफ़ी हद तक इंफॉर्मेशन होगी। ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी पहले जो हम लोगों को पता तक नहीं थी, लेकिन हम लोग ऐसी वीडियोज देखते हैं तो हमें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज होती है। तो सीरियसली मैं इसको देखने के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। तो देखते हैं वीडियो कैसे होने वाली, वही देख लेते हैं कैसा होगा। तो आप भी देखो, हम भी देखते हैं, लेट्स स्टार्ट। दोस्तों ये बात तो आप सब जानते हैं कि आईएसआई दुनिया की नंबर वन खुफिया एजेंसी है, लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि आईएसआई के एजेंट्स अपने मुल्क में मौजूद दुश्मनों को कैसे उठाते हैं? इस वीडियो में मैं आपको लाइव कुछ ऐसे मनाजर दिखाऊंगा जिसमें आईएसआई के एजेंट्स कुछ ही सेकंड्स में बंदा गायब कर देते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं अपने दोस्तों से गुजारिश करूंगा कि वो स्टोरी फैक्ट्स टीवी को सब्सक्राइब कर लें ताकि आइंदा आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। दोस्तों आईएसआई के एजेंट्स जब किसी मुल्क दुश्मन अनासर की तहकीक करते हैं तो वो गली मोहल्लों में फकीर, सब्जी बेचने वाले या सफाई करने वाले का रूप धार लेते हैं। और ये ऐसा रूप धारते हैं कि कुछ हकाइक के मुताबिक आईएसआई एजेंट्स को उनकी माँ भी नहीं पहचान पाई। ये एजेंट्स पीछा करते हैं और उनका सुराग लगाते हैं। इनको कई कई महीनों या सालों तक मांग कर भी खाना पड़ता है। और जब इनको क्रिमिनल एक्टिविटी का यकीन हो जाता है तो पूरे सबूतों के साथ ये पूरे गैंग को दबोच लेते हैं। जैसा कि इस वीडियो में आप देख सकते हैं, मारखोर के निशाने से कोई भी सांप बच नहीं पाता। दुश्मन दुनिया के किसी कोने में भी हो, मारखोर उसे अपनी नजरों से ओझल नहीं होने देते। बस सही वक्त और जगह मारखोर एजेंट्स की ही होती है। दोस्तों इस वीडियो में एक आर्मी की गाड़ी आपको दिखाई दे रही होगी। इसमें मौजूद लोगों को इतला दे दी गई है कि क्रिमिनल मुमकिना जगह से गुजरेगा और वक्त का तायुन भी कर दिया गया। जो ही क्रिमिनल की गाड़ी आती है तो फौरन से तीन चार गाड़ियां और भी आन पहुंचती हैं और क्रिमिनल को दबोच लिया जाता है। इस शख्स की गाड़ी से सबको निकाल कर दूसरी गाड़ी में डाल दिया जाता है और इसकी गाड़ी से निकलने वाला लैपटॉप, मोबाइल और बाकी अशिया को भी हिरासत में ले लिया गया है। दोस्तों अगर आप गौर करें तो ये सारा मामला सिर्फ चंद ही सेकंड्स में हुआ। बहुत फास्ट। तो कैसे वो एक ट्रैक्टर था वो भी रुक गया जबकि उसको तो कुछ पता भी नहीं है। और वाओ कैसे फटाफट धवा धव बंदे को निकाला डाला और अब निकल जाएंगे फटाफट। ओले बहुत फास्ट है सही में, पता ही ना चले। और ये रिवर्स ली और निकले, कैसे भाग भाग के कर रहे हैं वो देख। ओ गया भैया, यानी आईएसआई चंद ही सेकंड्स में बंदों को उठाकर ले गई। बाद में आने वाले कुछ लोग हैरानगी से एक दूसरे की तरफ देखते रहे। सही में कि हुआ क्या, आखिर ये माजरा क्या पेश आया। वो गाड़ी भी बड़ी रह गई। आईएसआई को इसी वजह से दुनिया की नंबर वन खुफिया फोर्स कहा जाता है। क्या बात है यार, क्या कमाल की वीडियो थी यार। और सीरियसली आईएसआई मतलब इतनी स्मार्ट है, मतलब और स्मार्ट भी और फास्ट भी। मतलब मैं उनका काम देखकर हैरान हो गई कि लाइक जो उन्होंने वो गाड़ी से एक्सचेंज किए है ना वो प्रिजनर्स को, उसको देखकर मैं हैरान हो गई। इवन वहाँ पे एक आईएसआई ऑफिसर था वो मतलब ज़मीन पर रह गया था, स्टिल उन्होंने गाड़ी चला दी थी। तो उससे पता लगता है कि वो बहुत ज़्यादा फास्ट। और दूसरा जब इन्होंने बताया कि मेरे को वाला पार्ट सुन के बहुत ज़्यादा हंसी आई, जब उन्होंने बोला आईएसआई ऑफिसर जब तैयार होते उनकी माँ को भी नहीं पता लगता, तो मैं ऐसी थी यार ये तो ज्यादा ही हो गया है, इतना भी क्या। मतलब ऑब्वियसली यार हम लोगों के, हम लोग चाहे कितना भी कुछ करते हमारे पेरेंट्स को हम लोग हमेशा ही पहचान में आ जाएंगे, चाहे कुछ मर्जी हो जाए।
और जो इन्होंने ये बात करी कि ISI कभी कभी ऐसे एक एक साल तक घूमते और उनको खाना भी मांग के करते, तो इससे ये पता लगता है कि यार इनकी जो जॉब है वो कितनी ज़्यादा टफ है और वो कोई भी आम इंसान नहीं कर सकता। हालांकि जितनी इनकी जॉब मतलब मिलने के बाद है, पहले भी उससे ट्रेनिंग उतनी ही हार्ड है, ट्रेनिंग तो बहुत ज़्यादा हार्ड है। और उसके बाद अगर हम ये सोचते हैं कि यार ट्रेनिंग हो जाएगी उसके बाद ज़िंदगी सेट है, तो ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला। और अगर एक बार आपकी ज़िंदगी मतलब ट्रेनिंग आपने कम्प्लीट कर दी, आप पूरा हो गया, आपकी भर्ती हो गया ISI में, उसके बाद आपकी ज़िंदगी कोई इजी नहीं होने वाली। तो ये वाली आपके लिए नहीं है इजी बीजी लेमन स्क्वीजी चीज़, तो आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। वही, और जिस तरीके से इन्होंने पूरा ये ऑपरेशन अपनाया वो बहुत ज़बरदस्त था। लाइक उनको पता था क्या करना है, तो सामने से गाड़ी ब्लॉक की, पीछे से गाड़ी ब्लॉक की और साइड से ब्लॉक की, ताकि वो गाड़ी वाला निकल ना सके। और वो गाड़ी वाले ने भी आराम से अबाइड कर लिया, मेरे ख्याल से उसको दिख गया था कि कोई चारा नहीं है उसका बचने का। पर कैसे उसको यहाँ पे उसके सामान को दूसरी गाड़ी में डाला और उसको खुद को दूसरी गाड़ी में डाला, फटाफट वो लोग गाड़ी में जा जाके निकल रहे थे। लास्ट वाले को तो वो लेना ही भूल के जा रहे थे, पर उनको इतना जल्दी था वहाँ से निकलने का, बिकॉज ये था कि ज़्यादा सबूत नहीं होने चाहिए, ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं होने चाहिए। और ऑफकोर्स कोई इकट्ठा हुआ भी नहीं, दो तीन लोग आजू बाजू खड़े, और वो भी मतलब इतनी देर में तो आप सोचते हो कि हो क्या रहा है, और उतनी देर में वो लेके चपट भी हो गए। फिर आप पुलिस को बुलाओगे, पुलिस आएगी, पुलिस को क्या ही पता चलने वाला है, और फिर इन दी एंड वो पुलिस को बता देंगे कि भाई हमने ही किया था ये ऑपरेशन। सो इस तरीके से पूरा स्विफ्ट ऑपरेशन किया गया था, और वो गाड़ी वहीं पड़ी रहेगी, सब कुछ वैसा हो गया, और उतने में उन्होंने क्लियर आउट भी कर दिया। तो ये ISI की पूरी शक्ति दिखाता है और किस तरीके से उनका पूरा काम चलता है, और इन्होंने किस तरीके से पूरा उन्होंने इतना इंटेल गैदर कर लिया था, उन्हें पता था वो गाड़ी कहाँ है कैसे, और उन्होंने उसी टाइम पर उसको कैप्चर कर लिया। तो आप लोग को वीडियो कैसी लगी आपको जरूर बताया, कैसी लाइक करते जाइए, कमेंट करते जाइए, शेयर करते जाइए और सब्सक्राइब करते जाइए। बाय।